महेंद्र सिंह धोनी द मैन द मिथ द लेजेंड जो कहा जाता है उनको, हालांकि द माही भी लास्ट में लगता है, पर शायद आज उनका ये आखिरी मैच था। महेंद्र सिंह धोनी के हाव भाव से भी ये नजर आ रहा था कि शायद आज के बाद आपको धोनी येलो जर्सी में बल्ला पकड़े हुए क्रीज पर आपको नहीं मिलेंगे। मेंटोरशिप में मिल सकते हैं, टीम को कोचिंग करते हुए मिल सकते हैं, पर शायद खेलते हुए नहीं। क्योंकि धोनी ने खुद कहा है कई बार कि जैसे 2019 के विश्व कप के सेमीफाइनल के बाद वो तय हो गया था कि नहीं खेलेंगे, तो वो इमोशनल हो गए थे। और आज भी कुछ तस्वीरें वही हैं। आपने जो तस्वीरें देखी और देख रहे हैं, इन तस्वीरों में साफ है कि धोनी की आंखों में नमी है। धोनी रोने वाले हैं, पर वो अपने इमोशंस को छुपाना बेहतर तरीके से जानते हैं। हो सकता है ड्रेसिंग रूम में बैठकर रोए भी हो, क्योंकि उनको पता रहता है कि कब उनका आखिरी मैच, उनके दिमाग में चीजें चलती रहती है। ऋतुराज गायकवाड़ को उन्होंने अपनी लेगेसी आगे बढ़ाने के लिए सौंप दिया है। ऋतुराज गायकवाड़ अच्छे से कप्तानी भी कर रहे हैं, शायद धोनी के जूतों में उन्होंने पैर अच्छे से फिट कर लिए हैं। टीम जरूर क्वालिफाई नहीं करी, पर धोनी का ये शायद डेफिनेटली नॉट अब डेफिनेटली यस में बदल चुका है। शायद 42 साल के ये धोनी अब जुलाई में 43 साल के हो जाएंगे, और शायद मैं कहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि वो खेल जाए, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब वो लय बची नहीं है। देखिए, हर बार 8-10 गेंदे खेलने के लिए किसी एक खिलाड़ी का स्पॉट धोनी खुद नहीं लेना चाहेंगे, और मेगा ऑक्शन है तो 12 करोड़ रुपए भारी रकम होती है जो धोनी खुद चाहेंगे कि वो छोड़कर एक अच्छी टीम बिल्ड करे जो 2025 में ट्रॉफी जीते। तो हो सकता है कि आज धोनी का फेयरवेल मैच था। हाँ, जीते जरूर नहीं, क्वालिफाई जरूर नहीं किए, और यही वजह थी कि धोनी आंखें नम थी। चाह रहे थे कि शायद फाइनल तक पहुंचेंगे, चिपॉक में एक बार फिर क्राउड को थैंक्स कहेंगे, पर ये सफर जो है आज चिन्नास्वामी में बेंगलोर की टीम ने समाप्त कर दिया है। धोनी ये जो है इमोशनल है, भले ही वो इमोशन छुपा लेते हो, पर नजर आ रहा है कि धोनी का ये आखिरी मैच था। हो सकता है कि अब हमें ये धोनी नजर ना आए और उनकी कमी हमें बारंबार खलेगी। अब आप हमें कमेंट करके बताइए, ये धोनी वापसी करेंगे, क्या होगा डेफिनेटली नॉट या फिर डेफिनेटली यस। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।